हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी। मैं हूं ज्योति गुप्ता। मैं लेकर आई हूं 9th क्लास की मैथ्स, जिसकी एक्सरसाइज है 2.5 और क्वेश्चन है हमारा नवा। तो नवा क्वेश्चन जो है वो हमारा कह रहा है सत्यापित कीजिए। क्या करना है? सत्यापित करना है या कह लो प्रूफ करना है। तो अब हम करते हैं अपना नवा क्वेश्चन। तो नवे का पहला जो है वो क्या लिखा है, एक्स क्यूब प्लस y क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। मैं आपको एक जानकारी दे दूँ, आप हालांकि आपको ये जानकारी होगी, ये हमारा एक फार्मूला है। किसका फार्मूला है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फार्मूला है। क्या होता है? एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई, ये हमारा फार्मूला होता है। इसे हमें क्या करना है? सत्यापित करना है। तो जैसे कि ये हमारा एल एच एस है, ये हमारा आर एच एस है, ठीक है। तो हम यहाँ पर आर एच एस लिख लेंगे, ठीक है। तो आर एच एस हमारा क्या है? एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई, ये है हमारा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों की आपस में गुणा करेंगे, ठीक है। तो पहले x की इन सब के साथ गुणा कर लें, फिर y की इन सब के साथ गुणा करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, x कर लेंगे, फिर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस, यहाँ पे हमारा वाई स्क्वायर होगा, डबल बार मैंने लिख दिया, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर। इस एक बार x से गुणा की और यहाँ पे प्लस लगा है ना, तो हम यहाँ पे प्लस लगा देंगे, y लिख देंगे, ठीक है, ये लिख दिया हमने। फिर हम एक बार y से इन सब की गुणा करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर, ठीक है, ये हमने कर दिया। अब हमको क्या करना है, देखिए x की इसके साथ गुणा हुई तो क्या हुआ, एक्स क्यूब हो गया। अब x की इसके साथ गुणा हुई तो क्या हुआ, एक्स स्क्वायर वाई हो गया। x की इसके साथ गुणा हुई तो एक्स वाई स्क्वायर एक्स हो गया, या कह लो कि एक्स वाई स्क्वायर हुआ, बात एक ही है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फिर वाई स्क्वायर की एक्स स्क्वायर के साथ गुणा हुआ तो वाई एक्स स्क्वायर हुआ, फिर माइनस लगा दो, ठीक है। वाई की इसके साथ गुणा हुई तो एक्स वाई स्क्वायर हुआ, फिर प्लस लगा दो, वाई की वाई स्क्वायर के साथ गुणा हुई तो हमारा ये आ गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं क्या क्या हमको मिल रहा है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई है माइनस का, यहाँ पे वाई एक्स स्क्वायर है। चाहे उल्टा हम कर सकते हैं, चाहे वाई स्क्वायर एक्स कहो, चाहे एक्स वाई स्क्वायर कहो, चाहे एक्स वाई स्क्वायर कहो, चाहे वाई स्क्वायर एक्स कहो, बात एक ही है, ठीक है। तो ये इस एक्स स्क्वायर वाला ये है, एक्स स्क्वायर वाला ये है, वाई में भी है, वाई में भी है, दोनों एक प्लस का है एक माइनस का है, तो मतलब ये दोनों कट गए। ऐसे ही ये वाई स्क्वायर एक्स है, ये एक्स वाई स्क्वायर है, ठीक है, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो ये भी आपस में कट गए। जब ये कट गए तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ठीक है। यही हमारा क्या है, एल एच एस है। तो हम यहाँ पे एल एच एस लिख देंगे, लिख दिया तो हम यहाँ पे अब लिख सकते हैं एल, ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, ठीक है, ये हम लिख सकते हैं, जो कि हमने अब प्रूव्ड कर दिया है, ठीक है, हो गया ना, आया होगा आपको अच्छे से समझ के, आपको अच्छे से समझ में आया होगा तो नोट कर लीजिए, ठीक है। तो करते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो ये है हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन भी हमारा एक फार्मूला है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फार्मूला है, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये भी हमारा एक फार्मूला है। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो हम यहाँ पे इसको भी आर एच एस को लेकर ही करेंगे, क्योंकि एल एच एस में कुछ है ही नहीं सॉल्व करने वाला, तो इसी को लेकर करेंगे। तो एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये हम करेंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा, पिछले ही क्वेश्चन की तरह हम करेंगे x की गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर से,
ठीक है, ये हम गुणा करेंगे। फिर एक बार y की गुणा करेंगे, y हमारा माइनस का है तो माइनस लगा देंगे, इसकी गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर से। ठीक है, इस तरीके से हम गुणा करेंगे। तो चलिए गुणा करते हैं, x की गुणा हुई एक्स स्क्वायर से x क्यूब आया, प्लस लगा दो, x की गुणा हुई एक्स वाई से तो एक्स स्क्वायर वाई आया, x की गुणा हुई y से तो x वाई स्क्वायर आया, फिर माइनस वाई की गुणा हुई एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर वाई आया, फिर माइनस वाई की गुणा हुई है एक्स वाई से तो हमारा क्या आएगा एक्स वाई स्क्वायर आएगा, फिर माइनस वाई की गुणा हुई वाई स्क्वायर से तो वाई क्यूब आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा देखिए क्या क्या कट रहा है। तो ये वाला एक्स स्क्वायर वाई जो है प्लस का, ये कट जाएगा माइनस के एक्स स्क्वायर वाई से, ये वाला जो है प्लस का एक्स वाई स्क्वायर कट जाएगा माइनस के एक्स वाई स्क्वायर से। ठीक है, कट गए तो अब हमारे पास क्या बचा है, एक्स क्यूब माइनस का वाई क्यूब। ठीक है, यही हमारा क्या है, यही हमारा एल एच एस है। ठीक है ना, एल एच एस देख सकते हैं आप यहाँ पे, फिर हम यहाँ पे लिख देंगे एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। ठीक है, मतलब अब ये जो है हमारा ये प्रूव्ड हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो हमारा पूरा हुआ। उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। ठीक है, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देंगे तो मुझ पर बहुत सारी कृपा हो जाएगी। और साथ ही आप अगर साइंस पढ़ना चाहते हैं तो जोजस स्टडी साइंस वाले चैनल पर आप जा सकते हैं, वहाँ पढ़ सकते हैं। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो तो जोजस शॉर्ट्स में जा सकते हैं, और बाकी के हमारे चैनल जो हैं क्रिएटिव चैनल हैं तो इन चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।